हे एवरीवन, 22 जुलाई की सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में आफ्टर लंच क्या क्या डिस्कशन हुई उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले रिनीट को फेवर करते हुए लॉयर्स ने ये बोला कि जब एनटीयू को पहले ही पता था कि टेलीग्राम पे क्वेश्चन पेपर लीक करवाया गया है, फिर भी वो बार बार इस बात को डिनाई क्यों कर रहे थे और क्यों मना कर रहे थे कि क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ है। दूसरा मुद्दा ये देखा गया कि रिनीट में जो ग्रेस मार्क दिए गए थे वो कुछ बच्चों को ही क्यों दिए गए थे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो हरियाणा के स्टेट में ही गलत क्वेश्चन पेपर जो हैं वो दिए गए हैं, तो इस तरीके से सिर्फ उन्हीं बच्चों को ग्रेस मार्क क्यों दिया गया। एक फिज़िक्स का क्वेश्चन जो हमारे सामने बार बार आ रहा है एटम्स को लेके, तो उसमें ये बोला गया कि जो ओल्ड एनसीईआरटी थी उसमें कोई आंसर और था और जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें डिफरेंट आंसर है, तो कौन सा आंसर उसको वैलिड किया जाए। अगर ये दोनों ही आंसर करेक्ट थे तो बोनस जो है 4 मार्क्स सभी बच्चों को मिलने चाहिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो आईआईटी दिल्ली है वहाँ के प्रोफेसर के पास ये क्वेश्चन जाएगा और वो डिस्कस करके बताएंगे कौन सा आंसर जो है करेक्ट है, उसके बाद ही इस पर बात होगी। तो आज फिर से कोई भी डिसीज़न नहीं लिया गया, दोबारा से नई हियरिंग, और जो क्वेश्चन हमारे सामने खड़ा हुआ है जो फिज़िक्स का एटम्स को लेके है उसने फिर से ये पूरी जो हियरिंग थी वो कंट्रोल कर ली है। अब नेक्स्ट हियरिंग हमें मिली है, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या रिनीट होता है या नहीं होता है। अगर दोनों ही आंसर करेक्ट आते हैं तो सभी बच्चों का रिज़ल्ट जो है वो दोबारा से बनाया जाए और इस बार 720 की जगह 716 से जो है सभी का रिज़ल्ट जो है डिक्लेयर किया जाए। तो सिर्फ आज इन्हीं मुद्दों पे बात की गई और फिर से हमारे ये डिस्कशन ऐसे ही नेक्स्ट हियरिंग में भी चलता रहेगा। तो इसीलिए मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि ये हियरिंग हमें मिलती जाएंगी और कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा जाएगा। इससे बेटर है आप नीट 2025 की तैयारी करते रहिए ताकि आपको बाद में रिग्रेट ना रह जाए। थैंक यू सो मच।